मैं कहती हूँ कांग्रेस की सरकार में ज्यादा बढ़िया हाल थे, कम से कम भर्तियां तो मिलती थी बच्चों को, मेहनत करते थे, पैसा खिलाते थे, कोई बात नहीं जो भी कर रहे, इस बार भी पैसा तो चल ही रहा है। एलटी वालों का देखा आपने, क्या आरएमएस वालों ने उनका पेपर नहीं कराया था? कैसे क्लीन चिट मिल गई? एसटीएफ को क्यों नहीं दी गई उनकी जांच? पैसा चलता है, हमें तो ऐसे ही लगता है हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है इसलिए सड़क पर बैठे हैं आज की डेट में। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं और कहीं एक निराशा का भाव भी लगातार है। प्लीज और बता दूं सर, मैंने बीएससी फॉरेस्ट्री एमएससी भी फॉरेस्ट्री से की है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना हमारी शिद्दत है ना कोई नहीं समझ सकता। सब आ जाएंगे और फॉरेस्ट में फॉरेस्ट्री वालों के लिए कितना रिजर्वेशन है उत्तराखंड में ये सबको पता है कितना रिजर्वेशन है, इसलिए फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये प्रोफेशनल डिग्री लेके कोई नहीं आया है, ये मैं बता देती हूँ सबको। और अब आप मेरी आवाज से मेरी पीड़ा नहीं समझ पाएंगे कि मेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाने की कितनी शिद्दत है, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इनफैक्ट काम भी किया है। सर किसके पास जाएंगे हम अपनी पीड़ा लेके, हम किसको बोले हम? सर उन्होंने तो बोल दिया कि ठीक है जी कैंसिल, हम किस मंत्री के पास जाएं? हम आप ही है मीडिया जो हमारा दुख समझ के सबको बता देंगे। और सर मैं आज तक मीडिया के सामने नहीं आई हूँ, ये आज जो मैं बोल रही हूँ मेरी सब 3-4 साल की भड़ास है सर, ये 6-7 साल मैंने फॉरेस्ट्री को दिए हैं, अब आप देख लीजिए सब जितने भी फॉरेस्ट्री कर रहे हैं ना मत करना, कुछ फायदा नहीं होगा, 7 साल बर्बाद हो जाएंगे, घर पे बैठना पड़ेगा, यहाँ के एग्जाम देके धरने देने पड़ेंगे। अब तो मेरा इतना दर्द है ना मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ सर, किसके पास जाएंगे हम? उत्तराखंड में जो युवाओं के साथ ये सब कुछ हो रहा है उसको लेकर के जो आपकी पीड़ा है वो बिल्कुल लाजमी है, अब इसको लेकर के क्योंकि आप फॉरेस्ट, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप? मेरा नाम स्मृति पुंडीर है, मैं यहीं डोईवाला से आई हूँ। डोईवाला से? हाँ जी सर, मैंने 7 साल फॉरेस्ट्री की है, बीएससी फॉरेस्ट्री 4 साल, एमएससी फॉरेस्ट्री 2 साल। अब देख लीजिए सर कितनी खुशी होती है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक बंदा फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल डिग्री लेके ज्वाइनिंग ले रहा है, हमारी शिद्दत तो समझ सकते हैं ना। और आज ये देखिए, चलो ये चीज तो सर साइड कर दो, ठीक है सभी डिजर्विंग है सब आ गए, ये मेरे अपनी मन की बात थी, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा सर, ये तो सभी समझ सकते हैं है ना। और सर 100% सेफ बोलने के बावजूद भी हम नहीं बोले, हमारे खुद एसएसपी सर ने जो हम एसटीएफ ऑफिस जाते रहे वो तब भी बोला था। ये अपना आप में बड़े सवाल हैं, आखिर वन दरोगा भर्ती परीक्षा में सेग्रीगेशन क्यों नहीं हो पाया और उस सेग्रीगेशन की वजह से आज जो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से एक निराशा का भाव जो है।